रेडी स्टार्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में है। स्टॉप दिल्ली और आसपास के अस्पतालों में प्रदूषण जनित बीमारियों का इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 3 गुना बढ़ गई है। स्टॉप चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि अल सुबह और शाम को लोग घूमने जाने से बचें। स्टॉप खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को प्रदूषित हवा के कारण ज़्यादा नुकसान पहुंचने का डर है। स्टॉप विड़म्बना तो यह है कि ऐसा इस बार ही नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है कि नवंबर के महीने में उत्तर भारत के बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। स्टॉप पैरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दीपावली के बाद के हवा का जहरीला होना एक नियमित और गंभीर समस्या बन गया है। स्टॉप हवा में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा मानक स्तर से कई गुना अधिक हो जाती है। स्टॉप चिकित्सकों का तो यहाँ तक कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। स्टॉप यूं भी कोविड महामारी ने आबादी के बड़े हिस्से के फेफड़ों की क्षमता पर प्रतिकूल असर डाला है। स्टॉप चिकित्सा विज्ञान की भाषा में जिन्हें पोस्ट कोविड सिंड्रोम यानी कोविड महामारी के बाद के लक्षण कहा जा रहा है, उनमें समूचे श्वसन तंत्र की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल है। स्टॉप हाल में अध्ययनों से यह साबित भी हुआ है कि अधिक मात्रा में प्रदूषित हवा ग्रहण करने से हृदय संबंधी विकारों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टॉप पैरा पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की ही समस्या नहीं है, सारी दुनिया इससे ग्रस्त है। स्टॉप इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को पिछले कई दशकों से दुनिया भर में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। स्टॉप हर साल जलवायु सम्मेलन हो रहे हैं। स्टॉप इस बार भी संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में रविवार से पर्यावरण के वैश्विक संदर्भों पर चर्चा करने के लिए भागीदार देशों का सम्मेलन यानी कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शुरू हो चुका है। स्टॉप यह सम्मेलन 2 सप्ताह तक चलेगा। स्टॉप इसके पहले यह सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था। स्टॉप पृथ्वी के पर्यावरण को लेकर दुनिया की यह चिंता 1990 के दशक में सारी दुनिया को एक मंच पर लेकर आई थी, जब ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। स्टॉप तब से बातों बातें तो बहुत हो रही, लेकिन जिम्मेदार देशों द्वारा अपनी भूमिका को ईमानदारी से आज तक नहीं निभाया गया। स्टॉप इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में जलवायु संकट के गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप पैरा
इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। स्टॉप कतिपय अपवाद यदि छोड़ दिए जाएं तो शहरों में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन हैं। स्टॉप इन वाहनों में इस्तेमाल होने वाले जैविक ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन जैसी विषैली गैसें निकलती हैं और हवा की गुणवत्ता को खराब करती हैं। स्टॉप होना तो यह चाहिए था कि ऐसे में जैविक ईंधन के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाता। स्टॉप यदि सरकारें सार्वजनिक परिवहन को सहज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण करने की दिशा में तेजी से बढ़ती तो लोग व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल से परहेज करते। स्टॉप लेकिन पिछले 3-4 दशकों में जिस तरह से कारों और दोपहिए वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया गया उसे देखकर यह लगता है कि सरकारें सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। स्टॉप यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में तो बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस की जा सकती है। स्टॉप हालांकि बिजली से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात हो रही है लेकिन इस दिशा में विकासशील देशों को एक लंबा रास्ता तय करना होगा और विकासशील देश ही क्यों अमेरिका जैसे देश में भी 80% ऊर्जा का उत्पादन जैविक ईंधन से ही होता है जबकि यूरोपीय देशों में यह आंकड़ा 70% है। स्टॉप जैविक ईंधन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। स्टॉप जिस प्राकृतिक गैस को कतिपय लोग पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित माध्यम मानते हैं वह प्राकृतिक गैस जैविक ईंधन द्वारा उत्पादित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस के कुल उत्सर्जन में 23% के लिए जिम्मेदार है। स्टॉप जिम्मेदार मुल्कों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसी साल जुलाई में यूरोपीय संघ ने इस बात की पैरवी की कतिपय कार्यों में इस प्राकृतिक गैस के उपयोग को दोष रहित करार दिए जाते हुए स्वीकार्य माना जाए। स्टॉक